एरोप्लेन में ट्रेवल करना ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन फिर भी हर साल प्लेन क्रैशेस में 350 लोगों की जान चली जाती है। और जब कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है तो उस प्लेन या हेलीकॉप्टर में रखा ब्लैक बॉक्स होने वाली दुर्घटना के हर राज को खोल देता है। तो सवाल ये है कि जब प्लेन क्रैश में सब कुछ जलकर राख हो जाता है तो इस ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या खास है जो इसे कुछ भी नहीं होता। ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन में लगाया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एरोप्लेन के उड़ान भरने के दौरान एरोप्लेन से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स दुनिया की सबसे मजबूत कही जाने वाली टाइटेनियम धातु से बना होता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इसको 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंक्रीट की दीवार पर मारे या फिर एक घंटे तक 11,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दे या 6 किलोमीटर के गहराई में नीचे समुद्र में फेंक दे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। अब क्योंकि ये डिवाइस एक तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ऐसी डिवाइसेस को काले कलर के बॉक्सेस में रखा जाता था, इसलिए ही इस डिवाइस को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है।